आज कक्षा 12 के डे 41 में 141 में जिसमें रे ऑप्टिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है रे ऑप्टिक्स का, जहां से बड़े क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो इस भाग से पूछे जाते हैं, जिसमें हमने कल एक टॉपिक किया था बोली अपवर्तक सत्य से अपवर्तक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसमें आगे बात कर रहे हैं लेंस की, तो लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि लेंस क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या विशेषता है, किस प्रकार से इसके अंदर जो संकेत है वो लिए जाते हैं, जैसे हमने दर्पण की बात की थी उसी आधार पे इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो लेंस है क्या, लेंस एक अपवर्तक माध्यम है, क्योंकि लेंस से कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, तो ये कैसा माध्यम है, अपवर्तक माध्यम है, जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। और कैसा अपवर्तक माध्यम है, जो दो कम से कम दो सतहों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक सतह कम से कम वक्रित होनी चाहिए, इसकी परिभाषा है कि ऐसा अपवर्तक माध्यम जो दो सतहों से मिलकर बना हो और दोनों में से कम एक सतह वक्रित होनी चाहिए, वक्रित होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो ऐसा अपवर्तक माध्यम, ऐसा अपवर्तक माध्यम, अपवर्तक पारदर्शी माध्यम भी कह सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश कर जाए, अपवर्तक माध्यम जिसमें दो सतह हो तथा उनमें से कम से कम एक सतह, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो एक सतह वक्रित हो, वो आपको अपना दिख रहे थोड़ा सा दिख रहा है, एक सतह वक्रित हो, क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इस माध्यम को क्या कहेंगे, लेंस कहते हैं। तो नॉर्मली कोई जरूरत नहीं है कि हमने ये अभी ये देखा है भाई उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उसके अलावा भी लेंस हो सकते हैं, एक सतह वक्रित होनी चाहिए इसकी। तो ऐसा अपवर्तक माध्यम जिसमें दो सतह हो, कम से कम एक सतह वक्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे लेंस कहेंगे। अब लेंस में प्रकार की अगर बात करें तो सामान्यतः दो प्रकार लेते हैं हम, जैसे हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये दो सतह है, दोनों ही वक्रित होती है इनके अंदर, उत्तल में और अवतल में। ये क्या है, अवतल है। तो इनके आधार पे इनकी परिभाषाएं भी सिंपल सबको पता रहती है, तो वो ज्यादा अपने यहाँ ट्वेल्थ में नहीं पूछे जाएंगे भाई उत्तल अवतल क्या, लेंस क्या होते हैं। फिर भी आप ध्यान रखें कि जिसमें बीच का जो भाग होता है वो मोटा होता है और किनारे जिसके पतले होते हैं, वही परिभाषा है आठवीं दसवीं वाले, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और जिसका बीच का भाग पतला होता है और किनारे जिसके मोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल, ये अवतल लेंस है, इसका एक नाम और है अवतल लेंस, इसका एक नाम और है, वो है अपसारी लेंस। ये भी आप ध्यान रखें, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं वो भी हम बात कर लेंगे अभी। और ये है उत्तल लेंस, और इसको एक नाम और है, वो कहते हैं इसको अधिसारी लेंस, अधिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होगा, जिसके बीच का जो भाग है उसकी मोटाई ज्यादा होगी, किनारे पतले होंगे। ये क्या होगा, बीच में से पतला होगा और किनारों से मोटा होगा,
तो ये आउटर लैश होगा। अब इनको अभिसारी अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से जो प्रकाश किरण जाती है ये तो मुख्य अक्ष हो गई, और एक बात और इनमें कुछ बिंदुओं की बात कर लेंगे अभी, पहले बात कर लेते हैं इसका। तो ये मध्य बिंदु होता है जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उसे कहते हैं प्रकाशित केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको, प्रकाशित केंद्र। ये बात आप ध्यान रखें कि इस बिंदु को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो इसका अगला जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, लेंस निर्मात्री सूत्र, वो पढ़ने के लिए लेंस के कुछ नियम, जैसे दर्पण के होते हैं वो हमें पता है, वैसे लेंस के भी नियम पता होना चाहिए। उसमें हम देते हैं सारी दुनिया पी से मापते हैं, उसमें हमने बात की थी कि चलना कहां से है, पी से चलना है। यहां पर भी नियम सारे वही रहेंगे, कुछ भी अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, या एक बात ऐड हो जाएगी कि चलना कहां से है, सी से चलना है। पी की जगह क्या आ गया, सी आ गया, और सी क्या है, सी है प्रकाशित केंद्र। तो शॉर्ट में आप इन बातों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, प्रकाशित केंद्र सेंटर। तो दूरियां कहां से मापनी है, इसमें सी से मापनी है। अब सी का होता क्या है, नॉर्मली इसको डिफाइन किया जाए, हमें जरूरत नहीं है इनकी डेफिनेट परिभाषा हमें लिखने की, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि प्रकाशित केंद्र क्या होता है, कि वह बिंदु लेंस के अंदर जहां से प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। यानी अगर कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो यहां से आएगी तब तो उसका अपवर्तन होगा, मुड़ जाएगी वैसे, लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है तो वो इसमें से बिना मुड़े सीधी उसी पथ पे जाएगी, उसमें परिवर्तन, पथ परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह बिंदु लेंस के अंदर जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है वो प्रकाशित केंद्र कहलाता है, और सारी दूरियां जो है वो सी से ही मापी जाती है। एक बात तो ये आप इसमें ध्यान रखिए, बाकी सारी बातें वही है कि ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसका द्वारक है, द्वारक छोटा होता है, लेंस पतले होते हैं, समझने के लिए हम इतना मोटा बना लिए, लेकिन होता नहीं है, ये बिल्कुल पतले होते हैं, हम देखते हैं चश्मे में लगे रहते हैं लेंस कितने मोटे होते हैं। तो लेंस क्या होते हैं, पतले होते हैं, और वस्तु जो है वो बिंदु के समान लेते हैं इनके अंदर, लेंस में वस्तु जो है वो बिंदु के समान लेते हैं, क्योंकि वस्तु बहुत दूरी पर स्थित होती है, कि हम 50 मीटर दूरी देख रहे हैं, 100 मीटर दूरी पर देख रहे हैं तो उसकी दूरी बहुत अधिक है, पेड़ देख रहे हैं हम 100 मीटर दूरी पर तो वो तो हमारी आंख की जो त्रिज्या है, फोकस दूरी है, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दूरी पर है, इसलिए उसको बिंदु के समान मान सकते हैं। और जैसा नॉर्मली हमें पता, हम देखते हैं तो दूर से देख रहे हैं तो पेड़ हमें इतना से दिखाई देता है, इतना थोड़ी होता है, पास जाके पता चलता है कि अपने इतने से है, पेड़ तो बहुत बड़ा है। तो वहां क्या स्थितियां रहती है, वस्तु जो है वो उसको बिंदु के समान माना जा सकता है। तो यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, वस्तु कैसे लेनी है, वस्तु लेनी है, वस्तु लेनी है बिंदु के समान, तो प्रतिबिंब भी बिंदु के समान ही बन जाएगा, बिंदु के समान। बाकी वही बातें ध्यान रखनी है कि प्रकाश किरण की गति की दिशा में दूरियां धनात्मक होती है, प्रकाश किरण की गति की दिशा में दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बाकी बातें वही हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक दूसरी बात, इसके अंदर पी कहां गया, तो ये जब सतह, इस सतह की हम बात करते हैं तो इसका पी ये रहा, इस सतह की बात कर रहे हैं तो इसका पी ये रहा, ये होता है दर्पण में, क्या दर्पण में क्या लेते हैं, एक सतह ही तो होती है, एक सतह होती है वहां, दूसरी पे तो दूसरी तरफ तो पॉलिश होती है, तो ये बिंदु पी होता है, यहां से हम क्या लेते हैं, दूरियां मापते हैं। अब इसके अंदर पी कितने हो गए, दो हो गए, क्योंकि सतह इतनी हो गई, दो हो गई, तो एक पी इधर का और एक पी इधर का, ठीक है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाती है, दो हो जाती है। त्रिज्या भी कितनी हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, देखो यहां है अपने पास ये रहा एक लेंस, इसकी इसका ये जो बिंदु है वो P है, इसका जो बिंदु है वो P है, ये मान लेते हैं P1 है और ये मान लेते हैं P2 है। तो P1 वाले गोले को अगर आगे बढ़ाएं, ये देखें कि ये
किस तरह से गोला बनेगा, तो इसकी त्रिज्या किधर होगी, इधर गोला जिधर है उधर ही त्रिज्या, गोले के अंदर केंद्र होता है, तो यहां इसका बिंदु होगा ये सी वन। तो इसकी ये जो त्रिज्या है, ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, आर वन हो जाएगी। इसके लिए देखें दूसरी सतह पी टू के लिए, तो इसके लिए गोला इधर बन रहा है, इसके लिए इसका केंद्र इधर अंदर होगा, तो इसके लिए त्रिज्या ये होगी आर टू, जो कहां से शुरू होगी, पी टू से शुरू होगी। लेकिन दूरियां कहां से मापनी है, सी से मापनी है। सी कहां है, इसके मध्य भाग में है, ये सी होता है। तो हम क्या मानते हैं कि सी जो है वो पी वन और पी टू के बिल्कुल समीप है। तो जहां पर P1 लिखते हैं वहां पर P1 की जगह क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। जहां P2 लिखते हैं P2 की जगह भी क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। दूरियां कहां से मापनी है, C से मापनी है। किसमें, लेंस में और दर्पण में बात करें तो दूरियां B से मापनी है। वो हम सारी कर चुके हैं, किसी ने नहीं देखी है वो क्लासेस, तो आप ऑप्टिक्स को मैंने शुरू में भी इस बात को बहुत बार रिपीट किया था कि आप अगर शुरू से ही ऑप्टिक्स से जुड़ते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सीधा बीच में कूद के आया तो वो कूदता ही रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। इसलिए पहले आप शुरू से क्लासेस देखें तो फिर बाद में आगे क्लासेस देखेंगे तो पता रहेगा। अब जैसे यहाँ आपने आधी बातें की, आधी नहीं की क्योंकि आपने दर्पण में कर ली, वही बातें रिपीट होने वाली है यहाँ। तो यहाँ आगे बात कर लेंगे इसकी थोड़ी और। ये दो सामान्य लेंस लिए हैं। अब अभिसारी और अपसारी क्यों कहते हैं, ये बात रहेगी इसके अंदर कि अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है कि यहां से प्रकाश किरणें आती हैं, इन आने वाली प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर फोकसित कर देता है। अगर अनंत से आ रही है, कहां से आ रही है, ठीक है, और अगर वस्तु काई कहां पर रखी है, एफ और टू एफ के मध्य रखी है, एफ टू एफ और अनंत के मध्य रखी है, तो वो अलग अलग स्थितियां हो जाती हैं। तो टेंथ में आती है, अपने को वो नहीं पढ़नी है। तो यहां से ये अपवर्तन के बाद किससे गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु की जो दूरी है वो सी से मापनी है, वो क्या होती है, एफ होती है। तो ये क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा इकट्ठे करने को अभिसारित करना कहते हैं, अभिसारित। इसलिए इसका नाम क्या रहा है, अभिसारी लेंस जिसको कहते हैं। ये आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और ये क्या कर देता है, ये फैला देता है, फैला देता है, इसीलिए अपसारित कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहां पर जो प्रकाश किरणें आती है वो ये इस यहां से अपवर्तन मानते हैं। क्यों मानते हैं, वो अगले टॉपिक में बात करेंगे कि ये इसको इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है। ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ये यहां मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए इनका इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये तो हम बिल्कुल देख भी सकते हैं, कांच का कोई भी टुकड़ा ले लो, और ये ऐसे प्रयोग बच्चे गाँव में करते भी रहते हैं। एक कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, छोटे एक कागज ले लेते हैं और धूप में बैठ जाते हैं, और फिर उसको धूप जो आ रही है उसको उस कागज पे डालते हैं, और फिर देखते हैं कि वो एक बिंदु बनता हुआ दिखाई देता है, और उसको काफी देर तक अगर वहां रखा जाए तो दिख जाता है कि कागज जलना शुरू हो गया, कागज वहां से जल जाता है, ब्लैक हो जाता है पूरी तरह से। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अभिसारित लेंस का प्रयोग कर रहा है। वहां से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो उस लेंस से गुजरने के बाद क्या हो रही है, अभिसारित। तो उसको आगे पीछे करके इस तरह से सेट किया जाता है, उसको देख के थोड़ी पता चल रहा है भाई उसकी फोकस दूरी कितनी है, नहीं पता चल रहा कागज को कितनी दूर रखे। इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसको कागज को आगे पीछे या लेंस को आगे पीछे करते हैं ताकि वो बिंदु जो डॉट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो आ तो रही है प्रकाश किरण ऐसे समांतर, लेकिन उससे गुजरने के बाद सारी एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है, इसलिए वो वहां चमकीला बिंदु, हमें प्रकाश का जो चमकीला बिंदु है वो वहां दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे वो प्रकाश की किरणें एक जगह सारी केंद्रित हो जाती हैं और उस कागज को धीरे धीरे ब्लैक कर देती है, जला देती है। ये घटना बिल्कुल सिंपल इजी वे में देखी जा सकती है, और ये किसी कारण होती है, उत्तल लेंस के कारण ये घटना होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इकट्ठा करता है ये, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस ये फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ये लेंस की सामान्य बात है,
हमने इसकी परिभाषा में एक बात की है कि दो सतह से बड़ा होता है उनमें से कम एक सतह वक्रित होनी चाहिए। इनमें तो दोनों ही वक्रित होती है सामान्य पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई कहते भी ऐसे ही लेंस होता है कि इसके अलावा भी हो सकता, तो इसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है लेंस के दो प्रकार उससे मेरे बना सकते हैं, ऐसी स्थिति है तो ये भी लेंस है, ये नियम इसको लेंस नहीं कहेंगे, ये इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी लेंस कहेंगे। कैसा लेंस है ये, एक तरफ तो उत्तल है, उत्तल है और एक तरफ सीधा है, प्लेन है, समतल है, तो इसको कहते हैं समतलो उत्तल। अगर नाम की जरूरत है इसका नामकरण करना है तो नामकरण कर देते हैं समतलो उत्तल, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो उत्तल है ये, ठीक है, और द्विउत्तल भी होता है। द्विउत्तल का मतलब क्या है कि अगर इनकी फोकस दूरी अलग अलग है, ये तो दोनों इधर भी उतनी ढलान बना दी, इधर भी उतनी बना दी, अगर ऐसे भी तो बना सकते हैं, इसको तो ऐसे बना दें और इधर से ऐसे बना दें, तो दोनों में अंतर है कि अगर इसके बीच का पार्ट देखें तो देखो ये इसकी तो ये जो त्रिज्या है वो ज्यादा होगी, इसके लिए गोला जो बढ़ेगा वो बड़ा गोला बढ़ेगा, इसकी त्रिज्या है वो कम होगी इसके लिए छोटा गोला बढ़ेगा, बढ़ेगा क्योंकि घिसनी तो बढ़ाए जाते हैं, एक को ज्यादा घिस दो ऊपर से एक को कम घिस दो, तो एक साइड की क्या क्या हो जाएगी, मोटाई ज्यादा हो जाएगी और एक साइड की मोटाई कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मोटाई ज्यादा कम हो गई तो त्रिज्या भी उनकी कम ज्यादा हो सकती है, द्विउत्तल लेंस कह सकते हैं इसको, द्विउत्तल। और उसके अलावा अवतल की बात करें तो ऐसे भी ये क्या है, समतल अवतल है, एक पार्ट अवतल हो गया एक पार्ट प्लेन है, समतल है इधर अवतल है, समतल अवतल लेंस कहते हैं इसको। दोनों जो जैसे हैं इसके अंदर वैसे भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर देखो ये भी तो लेंस है, दो सतह बन रही है इसके अंदर, लेकिन एक सतह क्या है अवतल और एक सतह क्या है उत्तल, उत्तल और अवतल कह सकते हैं, उत्तल और अवतल, यानी इसके अंदर उत्तल भी है और अवतल भी है। वैसे हमें इतनी ज्यादा इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए एक कॉमन डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए, केवल ये नहीं है बाइनरी टाइप बात, उत्तल अवतल ये होता है, ये उत्तल होता है, ये अवतल होता है, यही लेंस होते हैं, इनके अलावा लेंस हो गई, लेंस कैसे भी हो सकते हैं, एक अपवर्तक माध्यम होता है जिसके अंदर कम से कम एक सतह वक्रित होनी चाहिए। कोई कहते भाई क्या ये लेंस है, तो ये लेंस नहीं है क्योंकि इसकी ये बात भी समतल हो गई और ये बात भी समतल हो गई, कम से कम एक सतह कैसी होनी चाहिए, एक सतह वक्रित होगी, ये इसकी सामान्य बातें हैं, पहले आप इनको अच्छी तरह समझ लें, ये बातें जो काम आएंगी वो हमें आगे के टॉपिक में बात करेंगे हम, वो ये बातें सबसे महत्वपूर्ण है कि दूरियां कहाँ से मापनी है, सी से मापनी है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पे ज्यादा जोर नहीं देंगे, डायरेक्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे क्योंकि उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि ये डिस्कस करेंगे तो वो ज्यादा लंबी वीडियो जाते हैं। और P1 और P2 कितने होंगे, दो होंगे, वहां ध्रुव कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, दूरियां ध्रुव से नहीं मापनी है, दूरियां हमेशा केंद्र से मापनी है, इसलिए P को नियर अबाउट इक्वल टू C एज्यूम करेंगे, P जो है लगभग C के समीप है, इसलिए जहां P1 आएगा वहां भी C लिख देंगे, जहां P2 आएगा वहां भी C लिख देंगे, क्लियर। प्रकाश के अंदर वो बिंदु होता है जहां से प्रकाश के बिना मुड़े निकलती है, बाकी वस्तु जो है वो बिंदु के समान लेनी है, प्रतिबिंब बिंदु के समान हमें प्राप्त हो जाएगा और उसी के अनुसार फिर हमें उसका सॉल्यूशन करना है। सामान्यतः देखा जाए, एक बात और कर लेते हैं इसके अंदर, सामान्यतः देखा जाए तो लेंस के अंदर दो बार अपवर्तन होता है, कितनी बार, दो बार अपवर्तन होता है, एक बार प्रकाश किरण अगर ये बात करें तो विरल से किसमें जा रही है, कांच है ना, जैसे हमारे लैंप टी चश्मा है उस कांच से, तो ये एक बार तो क्या होगी, ये इसके अंदर प्रवेश करेगी लाइट, यहाँ प्रवेश करेगी तो बाहर तो विरल माध्यम है कांच में गई सकल, फिर जितना मोटा कांच है उतनी मोटाई के अंदर इसके अंदर गति करेगी, तो जब अंदर गति कर रही है तो कौन सा भाग में गति कर रही है, वो ठोस में गति कर रही है, फिर वापिस क्या आ रही है, बाहर आ रही है, तो एक बार जब प्रकाश किरण अंदर जाएगी तब मुड़ेगी, फिर जितना मोटा कांच है इतनी मोटाई में सेम पथ पे रहेगी, फिर जब बाहर आएगी तो फिर मुड़ेगी,
तो अपवर्तन अगर पूछ रहे लेंस में कितनी बार होता है तो दो बार होता है। ठीक है, सामान्यतः हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, सामान्यतः हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं और बीच में ऐसी लाइन लगा देते हैं और यहीं से अपवर्तन दिखा देते हैं। क्यों दिखा देते हैं? क्योंकि लेंस क्या मानते हैं, लेंस बहुत पतले होते हैं, इसलिए इसके अंदर ज्यादा दूरी तय नहीं होगी, इसलिए उसको नेगलिजिबल मान लेते हैं। जब हम इसका लेंस निर्मात्री सूत्र बनाएंगे, अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस निर्मात्री सूत्र, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में निर्मात्री सूत्र, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को लेकर चलेंगे कि एक बार जब प्रकाश के अंदर जा रही है तो अपवर्तन हो रहा है, कौन सी सतह से, इस वाली सतह से, जब यहां से आगे जाके बाहर निकल रही है तो अपवर्तन हो रहा है आगे वाली सतह से, दोनों अपवर्तनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और उसके अंदर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अपवर्तक सतह से अपवर्तन का, गोली अपवर्तक सतह से अपवर्तन का, जो हमने डे 140 वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डे 140 के अंदर हमने पिछली क्लास में, यानी अब से पिछली क्लास में हमने जो सोल्व किया था वो क्या है, तो वो टॉपिक उसको हम सोल्व नहीं करेंगे, उसका हम रिजल्ट लेंगे, इसलिए डे 142 यानी से अगली कल की जो क्लास हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए आपको 140 नंबर जरूर देख लेना, वरना आपको 142 नंबर में कंफ्यूजन रहेगी जो अगला टॉपिक, क्योंकि हम वहां से जो डायरेक्ट हमने μ1 μ2 μv की फॉर्म में रिजल्ट निकाले थे r1 r2 की फॉर्म में, वो डायरेक्ट उठाएंगे वहां से रिजल्ट r की फॉर्म में वो डायरेक्ट रिजल्ट लेंगे और उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और नए रिजल्ट समझिए प्राप्त कर देंगे। तो आप इसको समझ ले पहले, थोड़ा सा शॉर्ट में, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, शॉर्ट में नोट कर लें जो जो बिंदु काम के, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक पढ़ें और रिवाइज करें। थैंक यू।